अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। जी नाज़रीन, ये हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के हालात है। ये तमाम तस्वीरें जो है ये दो दिन पहले तक की है। जो नुकसान सामने आए हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में, हमने सारी ख़बरें आपको बताई, लेकिन अब तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आज की जो पोजीशन है, आज 31 तारीख की जो पोजीशन है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मोहम्मद बांध जो टूटा है, तकरीबन 1500 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही है और 8 लाख मकानात तबाह हो चुके हैं और 30 लाख लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। ऐसे मौके पर मुल्क ही नहीं दुनिया के बड़े मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी अजीज़ों, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं 70 के करीब पहुंच रहा हूं, मैंने इतनी बड़ी तबाही आज तक नहीं देखी। इतना बड़ा नुकसान हर सूबे में, KPK में तबाही आई हुई है, जनूबी पंजाब में, सिंध में। अभी मैंने क्वेटे में, मेरे एक दोस्त रहते हैं, मैंने उनसे थोड़े से हालात लिए, वो ज़ारो कतार रोने लगे कि मौलाना आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं कि किस कदर तबाही के मनाजिर हैं। और 300 डैम हुकूमत ने मुख्तलिफ पिछले कई सालों में मंजूर करके उसका बजट भेजा, वो डैम कागज़ों में बन गए और बजट अफसरान खा गए और आज बलूचिस्तान उनकी इस ख़यानत की वजह से हर तरफ पानी कच्चे घर हैं, बलूचिस्तान में कच्ची सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बनने ही नहीं दिया तो हेल्प भी नहीं हो सकती। और एक रेलवे का पुल था, अंग्रेज़ों ने 130 साल पहले बनाया था मच्छ के करीब, तो वो भी टूट गया है, तो रेल भी नहीं जा रही, सड़कें टूट गई हैं, तो कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती, तो लोग डूब के भी मरे हैं और अब भूख से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चंद एक वीडियोस मैंने देखी हैं, मेरा तो दिल हिल के रह गया। हमें अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अनहलक वफीना सालिहून, قال نعم اذا كثر الخبث। या रसूल अल्लाह, नेक लोगों के होते हुए भी हम हलाक हो सकते हैं। तो आपने फरमाया, आयशा, जब गुनाहों की कसरत हो जाएगी तो फिर नेक भी होंगे तो हलाकत आएगी। तो मेरा मुल्क, मैं बुराइयों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर किस्म का गुनाह एक थूक के हिसाब से पूरे मुल्क में हो रहा है। मैं सबसे अर्ज़ करता हूँ कि तौबा करें हम, मैं भी करूँ, आप भी करें। मैंने तो सारी दुआएं छोड़ दी हैं और सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा हूँ कि या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारी हुकूमतें भी कमज़ोर हैं, उनके वसाइल इतने नहीं हैं कि वो इस इतने बड़े नुकसान को पूरा कर सकें। तो मालदार लोगों से अपील है कि हमारी और हर फाउंडेशन की मदद करें। हमने जो सर्वे किया और हमारी टीम वहाँ पहुँची हुई है, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की, हम उस इलाके में हमारी टीम गई जहाँ पहले कोई नहीं गया,
तो वहाँ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई वो वहाँ मेडिकल कैंप खोलने की थी कि तो गंदा पानी गंदा हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं और लोग बीमार हो के मर रहे हैं, कफन के लिए कपड़ा भी कोई नहीं है। तो हमने 3 डॉक्टरों की टीम बनाई है, जिनमें से 2 तो जा चुके हैं, तीसरा कल परसों तक पहुंच जाएगा। वहाँ हम मेडिकल कैंप खोल रहे हैं, तो यकीनन उसके लिए सरमाया ही चाहिए। तो जब से मैं ये हालात अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत भाइयों ने खुल के मदद की है, लेकिन यहाँ तो अरबों रुपए भी ना काफ़ी हैं। दूसरा जो इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही है कि घर तो बन नहीं सकते इतनी जल्दी, तो उन्हें खेमे मुयस्सर किए जाएं। तो जो हमारे भाई खेमे बनाते हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह खेमे पहुँचाएँ, हमारी फाउंडेशन को पहुँचाएँ, या जो भी फाउंडेशन करीब है उसको पहुँचाएँ, या जो बेचना चाहते हैं तो वो हमारे साथ रब्ता करें, हम उनसे इंशाल्लाह ख़रीद कर और वहाँ हम अपने भाई बेयार और मददगार भाइयों की वहाँ उनको छत फराहम करने की कोशिश करेंगे। और चौथा ये है कि हमने देखा, हमारी टीम ने देखा, मैं तो अभी गया नहीं, कि जो वहाँ राशन तकसीम हो रहा है वो सिर्फ चावल पका के दे रहे हैं और तकसीम ही हुई हो सकते हैं। तो हमारा जो ये सारा जनूबी पंजाब है, मेरा इलाका भी जनूबी पंजाब बन जाता है मुल्तान, तो इसमें चावल खाने का ज़ौक नहीं है, लोग रोटी खाते हैं, चावल पसंद नहीं करते हैं। तो हमारी टीम ने वहाँ कोट छुट्टा में हमारा एक शागिर्द है मौली फहद, उनका वहाँ पेट्रोल पंप है, वहाँ हमने 12 आदमियों की टीम भेजी है, जिनमें रोटी पकाने वाले भी हैं और सालन पकाने वाले भी हैं। तो वहाँ हम सालन बनाएंगे और वहीं तंदूर लगा कर रोटियाँ पकाएंगे, फिर अपने टीम के लड़कों से वो जाकर हम रोटी और सालन तकसीम करेंगे कि वो चावल खा खा के वो तंग आ गए हैं। और ये देखने से पता चला कि इस वक्त इस चीज़ की भी ज़रूरत है, तो कि हम उनको रोटी मुहैया करें और सालन मुहैया करें। तो वहाँ मुस्तकिल हम इंशाल्लाह एक कैंप लगाएंगे, जहाँ जितना आप भाइयों का तावन होगा उतना काम आगे बढ़ता जाएगा। तो वहाँ कैंप, वहाँ पूरा एक किचन बना रहे हैं खेमों में, तो वो भाई फिर आगे मोटरसाइकिलों पर और किसी और ज़रिए से सालन पहुँचाएँगे, रोटी पहुँचाएँगे, तो जिससे उनको थोड़ी तसल्ली होगी, हौसला होगा। तो इस तरह ये चंद एक चीज़ें इस वक्त फौरी सामने आई हैं, तो इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है, हमारे शागिर्द वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा माली तआवुन की ज़रूरत है, मैंने भी अपनी तरफ से 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं। तो आप सब भाइयों की खिदमत में गुजारिश है कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और ये सिलसिला चंद दिनों का नहीं है, ये महीनों चलेगा। तो इस वक्त ज़कात हो, खैरात हो, सदकात हो, मस्जिद बनाने से भी ज़रूरी है कि हम इनको रोटी पहुँचाएँ, खेमे पहुँचाएँ। मैंने एक वीडियो देखी, वो कीचड़ में एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया, और वो औरत की फ़ोटो तो नहीं थी, लेकिन वो जिसके हाथ में बच्चा था वो बच्चा भी कीचड़ में लथपथ था, उसका नाड़ू भी अभी नहीं कटा हुआ था। तो बहुत दिल टूटा। और अभी मुझे किसी दोस्त ने वीडियो भेजी
इधर चलास की तरफ से, कोहिस्तान की तरफ से, कि पानी का रेला था और चार नौजवान एक टीले पर खड़े थे, तो वो पुकार रहे थे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, और पानी का रेला टीले को काट रहा था काट रहा था काट रहा था, यहाँ तक कि एक रेला आया और चारों को बहा के ले गया। फिर एक और मंजर देखा कि एक गाड़ी करीब आ रही थी एक पुल के, तो ऊपर से पानी पत्थरों के साथ आया और वो पुल के वहाँ नीचे बना हुआ था और पानी के निकलने का रास्ता, लेकिन वो पुल के ऊपर से होकर जब आया तो गाड़ी का पता नहीं चला कहाँ चली गई, कितने उसमें सवार थे और कहाँ जा रहे थे बेचारे, लाशें भी गई। ये सब शहीद हैं, अलगरी को शहीद, मेरे नबी का फरमान है अलगरी को शहीद, जो पानी में डूब के मरता है वो शहीद होता है। इनकी जन्नत तो बन गई इंशाल्लाह, लेकिन मेरे नबी का फरमान है मल्लम यहतम बे अमर المسلمین فليس منا, जो मेरी उम्मत की ज़रूरतों का ख्याल नहीं करता वो मुझ में से नहीं है। तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसके लिए हम कोशिश जारी रखें। अस्सलामु अलैकुम।